हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम आ चुके हैं बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में, और वहां के मुख्यालय से 6 किलोमीटर आगे पड़ता है थावे मंदिर। थावे माँ का मंदिर है जो बहुत ही फेमस है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाते हैं, पूरे मंदिर का दर्शन कराते हैं। तो चलिए आपको कराते हैं मंदिर के दर्शन। और एंट्री कर चुके हैं, थोड़ा ध्यान में पूर्ण करते रहते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये है एंट्री गेट, और इसके राइट साइड में एग्जिट गेट है, जहाँ पे जाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अभी सफाई चल रही है। तो बच के बचाते हुए आ चुके हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ की इतनी मान्यता क्यों है मंदिर की। जैसा कि यहाँ के ही पुजारी ने बताया कि रहसु गुरु नाम के एक भक्त रहते थे, और जंगल से लकड़ी काटते थे और बाग दौरी करते थे, उसमें से गेहूं चावल निकलता था और वो अपने परिवार का काम चलाते थे। और फिर ये बात जाके कोई राजा से कह दिया, जिनका नाम मदन सेन था, और कि राजा, आपके राज में रहसु गुरु नाम का एक भक्त है जो बाग से दौरी करता है, उसी से गेहूं चावल निकलता है और परिवार का काम चलता है। राजा इस बात को नहीं माने, कहें कि बुलाइए रहसु गुरु को, पूछेंगे कैसे काम करते हैं। फिर रहसु गुरु को दरबार में हाजिर किया गया। रहसु गुरु बोले कि सरकार, हम सब माँ की कृपा से करते हैं और इसी से परिवार का काम चलता है। फिर राजा हट कर लिए और बोले कि हम भगवती का दर्शन अवश्य करेंगे। रहसु गुरु बोले, दर्शन करने से आपका भी नष्ट हो जाएगा और हमारा भी नष्ट हो जाएगा। फिर बोले, मैं पर रहसु गुरु के बार बार मना करने के बाद भी राजा हट कर रहे थे। उसके बाद रहसु गुरु को मानना पड़ा। फिर रहसु गुरु बोले कि ठीक है, मैं माँ भगवती को बुला रहा हूँ। फिर उसके बाद से कौड़ी कामाख्या से माँ भगवती चली कलकत्ता, विंध्याचल, पटना इत्यादि होते हुए आमी छपरा के पास एक घोड़े घाट स्थान है, 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। जहाँ जहाँ माँ भगवती का स्थान आया, वहाँ वहाँ रहसु गुरु बोलते गए, सरकार अभी भी मान जाइए, अभी भी हम रोक सकते हैं। सचेत करते गए, पर राजा जिद्दी थे, कहें कि नहीं, भगवती का दर्शन हम अवश्य करेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। फिर भूकंप भी आया, धरती फटी, उसके बाद रहसु गुरु का मस्तक फटा। जैसा कि हम आपको दिखाएंगे, रहसु गुरु का भी मंदिर है पास में पीछे, तो वहाँ भी ले कर चलेंगे। वहाँ पर रहसु गुरु जी का मूर्ति है, जो इनके भक्त हैं। उसके बाद से मतलब कंगन के राजा ने दर्शन किया माता का। फिर उसके बाद सारी सेना जो थी समाप्त हो गई, और मूर्ति जो थी पत्थर की हो गई। उसके बाद कई सालों बाद फिर यहाँ पे राजा हथुआ का दौर आया। तो हथुआ राजा का दौर आया, फिर पूजा पाठ होने लगा, तभी से माता के दर्शन करने के लिए कई जगह से लोग आते हैं। और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि बिहार के गोपालगंज में स्थित है। तो दर्शन करने के बाद, भावी माता के दर्शन करने के बाद, यहाँ पे जो उनकी मतलब गुरु थे,
रहसु अवानी द्वार। देखिए ये है रहसु जी, यहाँ पे भी दर्शन करना मतलब अनिवार्य माना जाता है कि जैसे ही राजेश वैष्णो माता का दर्शन करने के बाद महाराज के दर्शन करने जाते हैं तो यहाँ भी ऐसी मान्यता है हावी माता के दर्शन के बाद रहसु जी के दर्शन करना भी अनिवार्य है। तो यहाँ देख सकते हैं ये सरोवर मंदिर के अंदर स्थित है। और ये छोटे छोटे मार्केट बड़ा एडिट मांगना पड़ेगा इसमें, कोई वीडियो पास पहले बनाए कोई बाद में बनाए, इस तरह देख देख के करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, कुछ आने वाला दो दिन बाद अपलोड। दोस्तों आपको बता दें ये पहले पूरा जंगल हुआ करता था और यहाँ पे अब सारे मार्केट हो चुके हैं। तो जो भी लोग आ रहे हैं और जो पहले भी आए हुए हैं वो भी देख के यहाँ पे काफ़ी सरप्राइज हैं कि काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। अब यह देख सकते हैं मंदिर का भी निर्माण अभी जारी है और यहाँ अलग दर्शन करना है। तो ये देखिए मंदिर के अंदर जाते हुए ये मंदिर का निर्माण अभी हुआ हो रहा है। तो पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है राशि जी। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये है रहसु गुरु जी का मूर्ति, जिनके मस्तक से आप देख सकते हैं कि भगवती माता का जो हाथ है निकला हुआ, यही मस्तक फट गया था और ये माता का हाथ ऐसे निकला जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। तो लोगों ने बनाया है।